मेरा तो ये दोस्त है ना, अभी गाना गाएगा आप लोगों के सामने थोड़ा सा हमारा ट्रेडिशनल भाषा में। नंखो लारा नैने आंगनी बिखाया गुजनाय गैना मा साजा हखर आंगनी मेगोनाओ। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है म्यूजिक सरा। आज मैं बुगामाती नाम का एक पिकनिक स्पॉट में जा रहा हूँ। वो एक असम बिटिया का बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर हर साल आदमी लोग पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए आता है, न्यू ईयर का सेलिब्रेट करने के लिए आता है। यहाँ पर हाइकिंग कर सकता है, राफ्टिंग कर सकता है, यहाँ पर नाइट कैंपिंग भी कर सकता है। ये मनाने के लिए बहुत अच्छा जगह है। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी सिंगरा नाम के एक बाजार में पिकनिक के लिए मार्केट करने के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो आज बहुत टाइम कम है, फिर भी इस मार्केट को इस ब्लॉग में जितना हो सके आपको इतना दिखाएगा, ठीक है? ओके, लेट्स गो फ्रेंड्स। कमन यार, हम लोग अभी पोर्क मीट लेने के लिए पोर्क का मार्केट साइड में आया है। आप लोग देख सकते हैं ये पोर्क मीट है। ये हमारा सिंगरा मार्केट में अभी 240 पर केजी का प्राइस रेट है। जो पोर्क लवर है वो कमेंट में आके बता सकता है आप लोगों का इलाका में कितना कितना प्राइस रेट चल रहा है, ठीक है? हम लोग इसको छोटा छोटा स्लाइस करने के लिए दिया है क्योंकि हम लोग इसको बारबेक्यू बना के खाएगा। हम लोग अभी मछली मार्केट में जा रहा हूँ मछली लेने के लिए, आप लोगों को दिखाएगा। चलो मछली का बाजार। इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा वेराइटीज का लोकल मछली। मिड साइज का प्राइस है पर केजी 200। क्या ले रहा है भाई? मछली ले रहा हूँ। तो हम मछली भी ले लिया। बढ़ता अभी सब्जी मार्केट की तरफ, लेट्स गो। ये है ग्रीन धनिया। हम लोग अभी हरा धनिया, ग्रीन चिली, गाजर और टोमेटो लेने वाला है और उसको सलाद बना के खाने वाला है हम लोग। और डिस्पोजल लेने वाला है, ओनली फॉर वन टाइम यूज। और यहाँ से खाने पीने का हम लोग का जरूरी सामान खत्म होता है। नाउ लेट्स गो टू बुगामाती। अब ये लकड़ी देख रहे हैं ना, हम लोग इस लकड़ी को एक भैया से रास्ते में खरीद के ले लिया है क्योंकि पिकनिक स्पॉट में लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग ये गेट देख रहे हैं ना, वही है बुगामाती का एंट्री गेट, यही है। हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। ओके लेट्स गो। हम लोग पहुँच के अभी बाइक पार करेगा, इसी बात जाएगा पिकनिक खाने के लिए, जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि पकाना तो पड़ेगा ना भाई। चलो हम लोग अभी बोट लेके नदी क्रॉस करेगा। अभी बोट में आ गए हम लोग। अभी हम लोग नदी की उस तरफ पहुंचने वाला है, तो मिलता हूं आप लोगों को नदी की उस तरफ। ओके, अभी मैं एक्सप्रेस और मैं आग जलाने का इंतजाम कर रहा है। माचिस है, माचिस है। तो अभी हम लोग मांस को धो रहा है और धीमी धीमी आग में बहुत देर तक रखेगा। ऐसा करके खाने से टेस्ट का लेवल और अलग सा बढ़ जाता है। मछली भी डाल लिया हम लोग। बैकग्राउंड में बहुत मस्त म्यूजिक बजा हुआ है लेकिन आप लोगों को सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है। सो सॉरी अबाउट दैट। मैक्स अंशुमा और मैं हम लोग तीनों मंक्स पकड़ रहा है और देवालयन उधर सलाद बनाने का जुगाड़ कर रहा है। हाय,
ये देख सकते हैं आप लोग। एक घंटा के बाद ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी हम लोग मांस को छोटा छोटा पीस करेगा और हरा धनिया, प्याज, नमक और ग्रीन चिली डाल के मिक्स करने वाला हूँ। आप लोग कौन कौन ऐसा करके खाया है और खा के कैसा लगता है प्लीज कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। वाओ, बहुत टेस्टी होने वाला है। अभी आधा जो बसा हुआ मांस है हम लोग उसको आग में पकने के लिए दे रहा है और दूसरा साइड में भाई लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेरा से ये दोस्त है ना, अभी गाना गाएगा आप लोगों के सामने थोड़ा सा हमारा ट्रेडिशनल भाषा में। Simang ni rani yeah. अभी ऑलमोस्ट शाम हो गए है, आज नाइट कैंपिंग करने का प्लानिंग नहीं है, इसलिए हम लोग जा रहे हो वापस होम स्वीट होम। राइट नाउ वंस अगेन वी आर पशिंग द रिवर, क्योंकि बाइक उस साइड नहीं रखा है हम लोग। पानी बहुत ठंडा है और बहुत साफ है, 10 फीट नीचे का पत्थर आप क्लियरली देख सकेगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही इन होता है। देखिए कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।